हेलो एंड वेलकम योर टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में मैं किशोर चंद्रा एक बार फिर सभी व्यूअर का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें हमने किकिंग डाउन, बुलिश तासो की लाइन, बेयरिश तासो की लाइन और टर्न अप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जाना था, और ये भी जाना था कि पैटर्न कैसे बनते हैं और इनको बनने में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी जरूरी है। आज हम कुछ और नए कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे टर्न डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। हाँ जी दोस्तों, टर्न डाउन भी कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है और यह मंदी को दर्शाने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। जब भी चार्ट में इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यह माना जाता है कि अब प्राइस में तेजी का वक्त खत्म हो रहा है और मंदी की शुरुआत हो सकती है। यह पैटर्न दो कैंडलों से मिलकर बनता है, आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। टर्न डाउन में जो पहली कैंडल है वो बुलिश या तेजी को दर्शाने वाली कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल बेयरिश या मंदी की कैंडल होती है। यह चार्ट में लंबी तेजी के बाद में बनता है, या यूं कहें कि चार्ट के टॉप पर बनता है। इसके बनने के बाद में तेजी की संभावनाएं खत्म होने लगती हैं और मंदी की संभावनाएं शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं टर्न डाउन कैसे बनता है और इसके बनने में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, टर्न डाउन में जो पहली कैंडल है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए या तेजी को दर्शाने वाली कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल भारी गिरावट के साथ में ओपन होनी चाहिए, या यूं कहें कि फुल गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। यह कैंडल पहली कैंडल के लो प्राइस के नीचे खुलनी चाहिए और जब प्राइस क्लोज हो तो यह अपने ओपन प्राइस के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। इस पैटर्न में ये कैंडलें छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की कैंडल हो सकती है। कैंडल की साइज़ का इसमें कोई खास महत्व नहीं रहता है। वॉल्यूम इसमें बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, यानी कि पहली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए। यह पैटर्न चार्ट में सिर्फ एक ही प्रकार से दिखाई देता है। यह पैटर्न ज़्यादातर उन शेयर्स में बनता है जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। वैसे तो यह पैटर्न हर प्रकार के चार्ट में देखा जा सकता है, मगर इंट्राडे चार्ट में यह बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जिस दिन भी चार्ट में यह पैटर्न बनता है उसके अगले दिन मार्केट अक्सर गैप डाउन होते हुए देखा जाता है। अगर आप इस पैटर्न की मदद से सेलिंग करना चाहते हैं तो जब प्राइस दूसरी कैंडल या बेयरिश कैंडल के नीचे आकर बंद हो जाए तो आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। यह एक तरीके से सेलिंग की कन्फर्मेशन मानी जाती है। ऑर्डर प्लेस करते ही पहली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो रही बातें हैं टर्न डाउन के विषय में कुछ बातें, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कैंडल स्टिक पैटर्न डिसेंडिंग हॉक की। तो डिसेंडिंग हॉक भी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिसेंडिंग हॉक की। तो दोस्तों, डिसेंडिंग हॉक भी कैंडल स्टिक का ही पैटर्न है। जापान के लोगों ने इसका नाम नीचे उतरते हुए एक बाज के ऊपर में रखा है। यह एक बेयरिश मंदी को दर्शाने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि तेजी का समय खत्म हो रहा है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। यह पैटर्न दो कैंडलों से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल लंबी तेजी या लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और दूसरी कैंडल छोटी तेजी की या स्मॉल बुलिश कैंडल होती है। ये एक मंदी को इंडिकेट करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसीलिए ज़्यादातर चार्ट के हाई पर बनता है, लेकिन कभी कभी यह चार्ट के बीच में भी दिखाई दे सकता है। बीच में भी यह अच्छी तरीके से काम करता है। अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह पैटर्न बनता कैसे है और इसको बनने में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें जो पहली कैंडल है वो है लॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल पहली कैंडल के बीच के हिस्से के नीचे खुलनी चाहिए, दूसरे शब्दों में कहें तो जोरदार मंदी के साथ में खुलनी चाहिए, और जब यह कैंडल क्लोज हो तब यह पहली कैंडल की बॉडी के अंदर ही क्लोज होनी चाहिए। वॉल्यूम इनमें बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, यानी कि पहली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए। बुलिश इसमें जो पहली कैंडल है वो बुलिश मारुबोजू कैंडल भी हो सकती है। यह चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है, ये दोनों प्रकार एक ही तरीके से काम करते हैं। यह पैटर्न हर प्रकार के चार्ट में आसानी से दिखाई देता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इसे 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इसके आवरली, डेली, वीकली, मंथली चार्ट में देख सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न की मदद से सेलिंग करना चाहते हैं तो जब प्राइस डिसेंडिंग हॉक की जो पहली कैंडल है वहाँ से नीचे आकर बंद हो जाए तो आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यह एक कंफर्मेशन मानी जाती है। ऑर्डर प्लेस करते ही पहली कैंडल के हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस लगाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो रही बातें हैं डिसेंडिंग हॉक की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश डोजी स्टार की। तो दोस्तों, बुलिश डोजी स्टार भी कैंडल स्टिक का ही पैटर्न है, और सबसे पहले इसके नाम के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम तीन शब्दों से मिलकर बना है, बुलिश डोजी स्टार। बुलिश का मतलब तेजी से है, डोजी का मतलब जिस कैंडल की ओपन और क्लोज प्राइस एक समान हो, और स्टार का मतलब तारा। डोजी भी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। डोजी के बारे में हमने पहले वीडियो में विस्तार में बताया है, अगर आपने वह वीडियो ना देखी होगी तो एक बार देखिएगा जरूर।
तो बुलिश टोजी स्टार का नाम जापान के लोगों ने रात को एक तारे के ऊपर में रखा है। यह एक बुलिश या तेजी को दर्शाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी चार्ट में यह पैटर्न बनता है, इसका मतलब यह माना जाता है कि अब प्राइस में मंदी का समय खत्म हो रहा है और तेजी शुरू हो सकती है। यह पैटर्न दो कैंडलों से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल या लंबी मंदी की कैंडल होती है और दूसरी डोजी कैंडल या न्यूट्रल डोजी भी इसे कहते हैं। यह कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी गिरावट के बाद में चार्ट के लो या बॉटम पर बनता है। अब बात करते हैं बुलिश रोजी स्टार कैसे बनता है और इसको बनने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, पहली कैंडल लॉन्ग बेरिश या लंबी मंदी की कैंडल होनी चाहिए और दूसरी कैंडल पहली कैंडल के लो प्राइस के नीचे ओपन होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। दूसरी कैंडल एक छोटे दायरे में ही ट्रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल जब क्लोज हो तो ये अपने ओपन प्राइस के आसपास में ही आकर बंद होनी चाहिए। बुलिश रोजी स्टार में पहली कैंडल मारुबोजू कैंडल भी हो सकती है। यह पैटर्न चार्ट में दो प्रकार से दिखाई देता है, ये दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं। यह पैटर्न इंटरडे चार्ट में डेली चार्ट में आसानी से दिखाई देता है, लेकिन यह इंटरडे चार्ट के लिए बेहतर माना जाता है। अगर आप इस पैटर्न की मदद से बाइंग करना चाहते हैं तो जब प्राइस पहली मंदी कैंडल के ऊपर आकर बंद हो जाए तो यह एक बाइंग की कंफर्मेशन मानी जाती है। यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाय ऑर्डर प्लेस करते ही डोजी के लो पर स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो रही बात है बुलिश डोजी स्टार के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कैंडल स्टिक पैटर्न बेयरिश डोजी स्टार के बारे में। तो दोस्तों, ये बुलिश डोजी स्टार का ठीक अपोजिट है। यह एक मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसीलिए यह पैटर्न लंबी तेजी के बाद में चार्ट के हाई या टॉप पर बनता है। जब भी चार्ट में यह पैटर्न बनता है तो यह सेलर की पकड़ यहाँ पर मजबूत मानी जाती है और मंदी की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। यह पैटर्न दो कैंडलों से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश या लंबी तेजी की कैंडल होती है। यह कैंडल मारुबोजू कैंडल भी हो सकती है। दूसरी कैंडल न्यूट्रल डोजी कैंडल होती है। अब बात करते हैं बेयरिश डोजी स्टार कैसे बनता है और इस पैटर्न को बनने में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश या बुलिश मारुबोजू कैंडल होनी चाहिए। दूसरी कैंडल न्यूट्रल डोजी एक कैंडल होनी चाहिए। डोजी कैंडल पहली कैंडल के क्लोज प्राइस के नीचे ओपन होनी चाहिए। डोजी कैंडल के छोटे एरिया में ही ट्रेड होनी चाहिए। जब दूसरी कैंडल क्लोज हो तब यह अपने ओपन प्राइस के आसपास में ही क्लोज होनी चाहिए। वॉल्यूम इसमें कोई ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो दोस्तों, चार्ट में दो प्रकार से पैटर्न दिखाई दे सकते हैं, ये दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं। अगर आप बेयरिश डोजी स्टार की मदद से सेलिंग करना चाहते हैं तो जब प्राइस पहली कैंडल के नीचे आकर बंद हो जाए तो अब यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं और सेलिंग करके यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ऑर्डर प्लेस करते ही डोजी के हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस लगाना बेहद ज़रूरी है, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही बेयरिश से डोजी स्टार के विषय में कुछ बातें। अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।